जब भी कोई वेबसाइट या कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो अक्सर करके लिखता है नो इंटरनेट कनेक्शन या दिस साइट कैन बी रीचेड। इसका सोल्यूशन करने के लिए बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं, बहुत सिंपल सा काम है। सबसे पहले आप अपने विंडोज़ पर सर्च कीजिए विंडोज आर, उसके बाद उसका एक फाइल खुल जाएगा, उसमें आप लिखिए ncpa.cpl, इसको ओके कर दीजिए। आपका नेट कनेक्शन का जो भी रहेगा वो दिखाई देने लगेगा, इसे खुलता है तो दिखाते हैं। ये हमारा खुल गया, जो हमारा कनेक्ट रहेगा उसको देख लेना। उसको कनेक्ट करने के बाद उस पर क्लिक करना, राइट बटन दबाना। राइट बटन दबाने के बाद प्रॉपर्टी पर क्लिक करें। प्रॉपर्टी पर क्लिक करने के बाद आपके पास ऐसा एक विंडो खुल जाएगा, चाहे विंडो 7 हो 8 हो 10 हो, सब पर ऐसे ही करके खुलता है। अगर इसमें यहाँ ज़्यादा ऑप्शन ऊपर दे देता है तो आप नेटवर्किंग पर क्लिक कर लें। नेटवर्किंग क्लिक करने के बाद ऐसे आपका ऑप्शन खुल जाएगा। तो चौथे नंबर पर आप देखेंगे इसमें दिखा रहा है नेटवर्क प्रोटोकॉल वर्जन 4, तो यहीं आप चेक करेंगे। नेटवर्क प्रोटोकॉल वर्जन 4 पर डबल क्लिक करेंगे तो आपका ये देखिए डाटा दिखा रहा है। अक्सर करके आप इसको नहीं फिल करेंगे तो भी कोई बात नहीं, पहला वाला इसको आप आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली ही रहने दें। दूसरा का वाला है, अगर पहला पर क्लिक है ऑब्जेक्टिव डीएनएस सर्वर एड्रेस ऑटोमेटिकली, तो इसको दूसरे वाले पर क्लिक करें, यूज द फॉलोइंग डीएनएस सर्वर एड्रेस। इस एड्रेस में पहले प्रेफरेंस डीएनएस सर्वर वाले में 208.67.222.222 कर दें, फिर अल्टरनेट सर्वर में डीएनएस सर्वर 8.8.4.4 करके ओके कर दें। आपकी समस्या का समाधान हो गया। अक्सर कर इतना करने पर आपका हो जाएगा। पहला वाला चूज करने की आपको आवश्यकता नहीं है, कर भी सकते हैं इसको पहले, जहाँ तक तो कोशिश करें कि आपका पहला ही रहे। ऑप्टेन एस आई पी एड्रेस ऑटोमेटिकली, इस पर क्लिक रहने दें। दूसरा का वाला है, दूसरा का वाला को आप जरूर चेंज कर देंगे। इसको आप चेंज कर देंगे उसके बाद आपकी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।